सर आप देख रहे हैं आप बीती जग बीती न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर उन्नाव से। जनपद उन्नाव 163 सफीपुर विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की हुई समीक्षा बैठक। आज अगस्त 2024 को जनपद उन्नाव की विधानसभा सफीपुर के ग्राम कूल्हा में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के द्वारा मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सफीपुर विधानसभा अध्यक्ष माननीय राजेंद्र चौधरी जी ने की तथा मीटिंग में विधानसभा उपाध्यक्ष आफताब आलम, विधानसभा उपाध्यक्ष दीपक गौतम, विधानसभा महासचिव अंकित अंबेडकर, विधानसभा सचिव सुनील कुमार, विधानसभा कोषाध्यक्ष आलोक गौतम, विधानसभा कार्यालय प्रभारी अमित गौतम, विधानसभा सचिव व सेक्टर प्रभारी सुखदेव गौतम, विधानसभा सेक्टर अध्यक्ष बंशीलाल गौतम, विधानसभा सेक्टर उपाध्यक्ष महेश गौतम, विधानसभा सचिव व सेक्टर प्रभारी राकेश कुमार, विधानसभा सेक्टर अध्यक्ष दीपक गौतम तथा तमाम अन्य ग्राम सभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटियों के कार्यकर्ता कमलेश गौतम, नोहर पासी, छोटा कनऊ, श्री गुरु प्रसाद, गुनेई ब्रजेश, श्रवण मेवालाल, श्री कृष्ण, राम शक्कर उपस्थित रहे। मीटिंग के दौरान तमाम नए कार्यकर्ताओं ने पद लिए तथा सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को हाथों में मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। मिशन 2027 में माननीय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, ये बताइए आप जो नीला गौछा डारे हैं क्यों डारे हैं? हम डारे हैं चंद्रशेखर को जिताना चाहते हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर जीत जाएं। चंद्रशेखर जी जो है सांसद जीत गए हैं, आप जो है आप ये नीला गौछा के क्यों डारे हैं, किसका क्या मकसद है, क्या मिशन देना चाहते हैं? मिशन हम ये देना चाहते हैं, हम चंद्रशेखर के पाछे लड़ाई लड़ रहे हैं अपने कुल्हा अटोरा में। भाई हमारे सब लोग जुड़ के मिलके आप संगठन बनाइए, हम विजय होए। चलिए थे मैं आप जो है देखिए हम दूसरे से भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतने दिन इकट्ठा हो क्या जो है आप लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, मैं भाई साहब से पूछना चाहता। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं विधानसभा को आने वाले चुनाव के इन हमारे समाज के लोग एकजुट होकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को 2027 में मुख्यमंत्री बनाए। ये बताइए जो आज जो चल रहा है सब जान खतरे में है और इच्छा काटा जा रहा है, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है, आप लोग इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में हम कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा तब तक आरक्षण ऐसे ही काटा जाएगा और काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो हमें संविधान बचाता रहेगा और संविधान ऐसे ही आगे लागू रहेगा। चलिए हमें आप जो है देखिए हम ये बात आपसे पूछना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? विनय प्रसाद जी, ये बताइए कि सफीपुर विधानसभा में जैसे नगीना में जो है चंद्रशेखर जी ने जो है एक साल उनको टाइम मिला अपना जो है पार्टी बनाए, राजनीति दल की पार्टी बनाए, बनाकर जो है वो अपने सांसद के चुनाव में लड़े, 1,51,000 वोट से जीते, अब सफीपुर विधानसभा में किस तरह से प्रत्याशी जीतेंगे? हम अपनी विधानसभा में मैं अपने विधायक को जी आजाद समाज भीम आर्मी जी मैं लाखों वोटों से जिताना हम चाहते हैं। हमने जब तक देखा है कि सभी विधानसभा में जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक जो लोकसभा का चुनाव आता है तो सफीपुर विधानसभा जीतती है, और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो आखिर जो विधानसभा का विधायक क्यों नहीं जीता, क्या हुआ? भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के विधायक को लाखों वोटों से जिताने की कोशिश करेंगे। हमारे वार साहब ने जो बताया कि हम अपने विधायक को काफ़ी वोटों से हम जीत के दिखाएंगे, अब जो हम देखते हैं कि जो हम जो हमारे भाई साहब जो एक और खड़े हुए हैं, हम इनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप जो है किस तरह से जो है
पहले बसपा तो बहुत छाई थी, अब नीला गौछा जो आ गया है आजाद समाजवादी पार्टी, आप पूछेंगे इनसे कि आप किस तरह से क्या मेहनत करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीएल गौतम, ग्राम पुराटोरा, हम भीम आर्मी से जो है। अच्छा गौतम जी जी बताएं तो आप लोग जितने गौतम जी जितने मायावती जी के पार्टी में जुड़े थे, अब जो है आप लोग जो है मायावती पार्टी जी को छोड़ के आप भीम पार्टी में क्यों जुड़े हैं? हम जुड़े इसलिए हैं, हमारी पार्टी जो है जोरदार है और हर जगह से संपन्न है, और चंद्रशेखर भैया के नाम पर आज जैसे मायावती के नाम पर मतलब आदमी उत्पन्न रहा है, वैसे का हम लोग चंद्रशेखर भैया के नाम पर जो है आज वैसे लहर बन रही है और बनती रहेगी, और आगे चल करके इनको जो है सांसद बनाया गया है, और अब आगे 27 में आने वाले में सबसे भारी वोटों से इनकी जो है विजय कराएंगे। ये बताइए कि चलो ठीक है, आप जो है आपके जितने जात के लोग हैं, क्या आप लोग जो है तितर बितर होंगे कि एकजुट होकर चलेंगे? एकजुट होंगे। किस तरह से आप जो है एकजुट करेंगे? आप ये पहचान है नीला अंगोछा, नीला अंगोछा सब भाइयों से अपने हम कह रहे हैं, सभी लोग अपना अपना नीला अंगोछा पहचान बनाए और बना करके सब लोग एकजुट हो जाओ, और आपकी आने वाले में मत चुको, और सब बना करके इनको जो है आगे निकालना है, विजयी बनाना है। हमारे भाई साहब ने जो बताया कि जो है हम बसपा का जो है इस समय जो है त्याग दिया है, और बसपा जो है इस समय डाउन हो चुकी है एकदम, और आजाद जो है चंद्रशेखर का कुछ ये चेहरा में जो सपना देखा होगा, तो हम इसी तरह से हमें पूछना चाहते हैं, हमारे भाषा भी खड़े हैं इनसे भी पूछना चाहते हैं कि सफीपुर विधानसभा में आप जो है चंद्रशेखर के चेहरे में क्या शकल देखा, क्या नहीं देखा है, और किस तरह से आप लोग जुड़े हैं, किस तरह से नहीं जुड़े? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार जी जी बताएं कि आप किस कास्ट के हैं? मैं ये बताइए, आप जब जो बीएसपी बनी थी, जो बीएसपी वालों लोगों ने पहले नारा दिया था, ये नारा से जो है पार्टी बहुत भयंकर उठी, और जो है सत्ते में केवल मुख्यमंत्री मायावती जी बनी, अब चंद्रशेखर जी जो आए हैं, चंद्रशेखर पहली बार अपने एक साल में पार्टी बनाकर अपने जो है सांसद के चुनाव में लड़े, 151,000 वोटों से जीते, क्या ऐसा आप जो है चंद्रशेखर में देखा, चेहरा में क्या देखा, उनके दिल में किस तरह से आप उनके साथ में जुड़े? क्योंकि चंद्रशेखर भैया बहुत अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छा काम किए उन्होंने?